नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं 4 मई 2022 के राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:37 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:57 PM पर। पक्ष है शुक्ल पक्ष, तिथि है तृतीया, योग है अधिगंड, नक्षत्र है मृगशिरा, वार बुधवार, चंद्र राशि वृषभ। 4:45 तक, फिर उसके बाद मिथुन, अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है, राहु काल है 12:17 PM से लेकर 1:57 PM तक। तो ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग। अब हम बात करेंगे उन दर्शकों की जिन्होंने ये L6 का लॉकेट खरीदा और पहना, और जिन लोगों ने अक्षय तृतीया वाले दिन इसकी बुकिंग कराई, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतिशीघ्र आपके घर ये लॉकेट कोरियर से भेज दिया जाएगा। बुकिंग चालू है अभी भी, जो लोग लेना चाहते हैं, छूट गए हैं वो लोग ले सकते हैं। L6 लिखिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। बात करते हैं मेष राशि की। आज आप थकान और आलस का शिकार होंगे, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके द्वारा लिया गया हर एक कठिन निर्णय आपसे मेहनत करवाएगा, मेहनत से ही आज रोटी प्राप्त होगी, मेहनत से ही पैसा प्राप्त होगा, जीवन साथी से संबंध अच्छे बने रहेंगे, संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी अपने उद्देश्य में सफल रहेंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। लाभ लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आलस से काम नहीं चलेगा, निवेश की योजनाएं बनानी होंगी, कई योजनाएं आपको आकर्षित कर सकती हैं, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नया करने जा रहे हैं तो किसी जानकार की सलाह ले लें। प्यार मोहब्बत के लिए दिन अच्छा है, रोमांस के लिए दिन अच्छा है, प्यार इश्क मोहब्बत में आप एक कदम आगे बढ़ेंगे और प्यार इश्क मोहब्बत में आपके नए विचार आपके प्यार को, आपके वैवाहिक जीवन को और मजबूत बनाएंगे। कोई गलती ऐसी मत करिएगा जिससे जीवन साथी का दिल टूटे। वृषभ राशि, आज आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन आपका दिमाग, आपकी ताकत, आपकी सोच उन कामों में आपको सफलता दिला देगी। आपकी यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है, स्वास्थ्य के प्रति सावधान बने रहें। यदि आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं या कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, आपके संबंध आपके जीवन साथी से विवादग्रस्त हो सकते हैं। आर्थिक और व्यापारिक मामलों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आपकी समझदारी आपके काम आएगी, जीवन साथी के साथ मिल बैठ कर आप बात करेंगे तो पुरानी गलत फहमियाँ दूर होंगी और जो भी अटके हुए काम थे वो पूरे हो जाएंगे। काम बहुत अच्छा बना रहेगा, शांति से आपको काम करना है, अच्छी तरीके से सभी काम पूरे हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी, आज आराम से आप दिन को बिताएंगे। मिथुन राशि, आज सप्ताह का एक बढ़िया दिन है, निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारियों को अनेक लाभ होंगे, यह समय शेयर मार्केट या सट्टे बाजार से लाभ कमाने का है, आप आत्मनिर्भर होंगे, कुल मिलाकर प्रसन्नतादायक समय रहेगा, सभी बात को निर्णय सोच समझ कर लिए जाए तो बेहतर है। आज आप अपने करियर और निजी जीवन में किए गए प्रयासों से बड़ा खुश रहेंगे, आपकी कोशिशें कामयाब होंगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है, कोई बड़ा बिजनेस या किसी नए बिजनेस की शुरुआत का आइडिया आ सकता है। आज भोजन सोच समझ कर करिएगा, नहीं तो पेट गड़बड़ या एसिडिटी हो सकती है। शाम के समय प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आज सुबह की शुरुआत योग और मेडिटेशन से करिएगा और शाम आपकी बहुत रंगीन होगी। कर्क राशि, आपका खर्चा बढ़ सकता है, व्यर्थ के धन खर्च से बचिएगा, नहीं तो आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा, आपके छोटे भाई बहन आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं,
आपके संबंध जीवन साथी से बिगड़ सकते हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखें और व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। आपके घर का वातावरण प्रभावित होगा। आज का दिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको परेशान होना पड़ सकता है। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट या किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करें। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में लापरवाही मत बनाइएगा। आप अपने कीमती समय को आज सदुपयोग करिएगा। पुरानी बातें याद करके, पुराने गमों को याद करके आज के अच्छे पलों को खराब मत करिएगा, बल्कि मीठी मीठी यादों से आज के दिन को महकाइएगा, ताकि पुराने दिन जो बुरे थे वो आप भूल जाएं और अच्छे दिन याद रहें। व्यापारिक लेन देन आज आप करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके रूप रंग, आपकी बातचीत, आपके काम करने के तरीके में अच्छा निखार होगा, एक अच्छा दिन कहा जाएगा। सिंह राशि, आज आपका खर्चा और आमदनी लगभग बराबर होगी। आज का दिन व्यापार में अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। लंबी यात्राएं रद्द होंगी। यदि आप बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आज आपके दोस्त यार, आपके टीचर आपकी मदद करेंगे आपकी उलझन को सुलझाने में। घर खरीदना, वाहन खरीदना या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आज मत करिएगा। आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। रोजगार में आपको प्रगति मिलेगी, लेकिन रोजगार प्राप्त करने के लिए आपको दो चार जगह इंटरव्यू देने जाना पड़ सकता है। जीवन में चली आ रही समस्याएं धीमे धीमे समाप्त होंगी। एकदम से क्रोध में मत आइएगा। प्रेमी प्रेमिका का संबंध मधुर बना रहेगा। कोशिशें करते रहिए। आज आपके जो ग्राहक है, व्यापारियों का जो व्यापार है, उनके जो ग्राहक है, उनसे अच्छा व्यवहार करिएगा। आप अपने दिल की सुनेंगे तो आज आपका दिन बहुत बेहतर रहेगा। कन्या राशि, आज आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा। आप अपनी चिंताओं से मुक्ति पालेंगे। आपके पिता की सेहत में सुधार होगा। आपको महत्वपूर्ण लोगों का साथ मिलेगा। आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे। जीवन साथी के नाम पर संपत्ति प्राप्त होगी। आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। आज का दिन विशेष खास है। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसको पूरा करेंगे। आज का दिन विशेष सफलता आपको दिला रहा है। आज जो भी लोग बर्तनों का काम करते हैं, चाहे वो पीतल हो या स्टील हो, उनको अच्छा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खुशनुमा दिन रहेगा, खुशनुमा दिल रहेगा। दिल और दिन दोनों ही बढ़िया है। आपका रिश्ता मजबूत होगा। भगवान राम की कृपा होगी, सफलता अवश्य मिलेगी। तुला राशि, आज का दिन शुभ है। आप उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे। आपका भाग्य आपका निरंतर साथ देगा। आपके संबंध जीवन साथी से बिगड़ सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान पुरस्कार मिलेगा। कुछ मानसिक परेशानियां रहेंगी, लेकिन दिन अच्छा भी देगा। जरूरत से अधिक खर्चा मत करिएगा। चालाकी भरी योजनाओं में मत फंसिएगा। ये वक्त रिश्तों को बनाने का है, रिश्तों को तोड़ने का नहीं है। प्रेम संबंधों में प्रेम जगाइए और अपनी बुरी आदतों से पीछे हटिए। आज हर जगह पे आपको फायदा होने वाला है। अपनी बात आप सामने वाले के सामने रख पाएंगे। आपके काम में उत्साह दिखेगा। आपके व्यक्तित्व में, आपके रूप रंग में उत्साह दिखेगा। आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। वृश्चिक राशि, वाहन चलाते समय सावधानी रखिए। सड़क पर चलते समय सावधानी रखिए। आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। जीवन साथी से तालमेल बनाए रखें। कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। किसी अशुभ समाचार मिलने से निराशा हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अपने करीबी मित्र से आपकी बातचीत होगी। आपकी टेंशन दूर होगी। स्वयं की कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें। व्यवसायियों को अपना व्यवसाय करने में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आज का दिन सरदर्द हो सकता है। समय अच्छा है। ताजी हवा में योग प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और अच्छी सलाह के साथ आगे बढ़ें। एक थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। ध्यान अपने काम पर रखिएगा, वरना दुर्घटना हो सकती है। धनु राशि,
आज का दिन जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम है। आपको निश्चित रूप से सभी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आज आप रोमांटिक मूड में होंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को नया साझेदार मिलेगा, उनकी उन्नति होगी। यह समय जमा पूंजी बढ़ाने के लिए अच्छा है, परंतु सट्टे या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए दिन शुभ नहीं है। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खाने पीने के मामले में सावधान रहें। रोजाना नियमित व्यायाम करें। किसी महिला से लड़ाई झगड़ा ना करें। सरकारी जॉब के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आज राहत मिलेगी। जरूरतमंद लोगों से आज आपको सहायता मिलेगी। काम में समझौता मत करिएगा, अपने काम की क्वालिटी को हाई रखिएगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां होंगी। लव मेट के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आज बहुत ही बढ़िया दिन है, आनंद में बिताइएगा। मकर राशि। आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेंगे। व्यापारी लोग व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ी योजना और बन सकती है। आपके विचार आज आपको उच्च लाभ दिला सकते हैं। हर तरह के धन निवेश से पहले सोच विचार जरूरी है। जांच पड़ताल करके ही किसी भी नए काम की शुरुआत करिएगा। आज शाम को किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात संभव है। आज आपकी कोई बुराई, आपकी कोई कमी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। जल्दबाजी में फैसले ना लें ताकि आपको पछताना ना पड़े। कुंभ राशि। विद्या में अध्ययन प्राप्ति में आपकी रुचि होगी। पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी होगी। प्रेमी युगल जोड़ों के लिए आज का दिन सौभाग्य का है। व्यापारी लोगों का व्यापार अच्छा चलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य है। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते अच्छे चलेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में संवेदनशीलता बनी रहेगी। आज आप अपने जीवन साथी से थोड़ा दूर दूर हो सकते हैं। आपके मित्र आज आपके बिगड़े हुए रिश्ते को सुधार सकते हैं। आज आप एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करिएगा, वरना घर में कलह कलेश हो सकता है। आज आप दूसरे बाहरी मामलों में पड़ने से बचिएगा। आपका जिन मामलों से, जिन कामों से कोई लेना देना नहीं है, उनसे दूर रहें। मीन राशि। आज का दिन आप तनाव और समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। आज का दिन परिवार और मित्रों के साथ आनंद में बीतेगा। आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम और पारिवारिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। कोई नया वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। माता पिता से धन प्राप्त कर सकते हैं। आपके संबंध माता जी से शुभ बने रहेंगे। जमा पूंजी बढ़ने का दिन है। लोगों का मन आज कुछ अशांत हो सकता है। कुछ लोग जल्दबाजी में कुछ काम करने की सोच रखेंगे। आज आप जितना जल्दबाजी दिखाएंगे उतना ही पीछे जाएंगे। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। आपके ऑफिस के कार्य पूरे होंगे। सीनियर की बात को सुनिएगा, गंभीरता से लीजिएगा। यदि जीवन में चली आ रही पैसों की दिक्कतें आप खत्म करना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। कोशिशों से सफलता के नए रास्ते खोजे जा सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आप सभी लोग गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। आज सभी 12 राशि के लोग गणेश जी को दूर्वा जो घास होती है वो चढ़ाएं। इससे आपका दिन बेहतर बीतेगा। और फिर से मैं यही कहूँगा, हनुमान जी की आराधना और गणेश जी की आराधना और माँ सरस्वती की आराधना करते रहिए, कोई कष्ट नहीं होगा। इसके अलावा जिन भी लोगों ने ये L6 का लॉकेट खरीदा उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जल्द ही ये लॉकेट आपके घर पहुंचा दिया जाएगा और आप इसका लाभ ले पाएंगे। अभी जो लोग नहीं ले पाए हैं वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बुकिंग चालू है। धन्यवाद।